आइलैंड ट्रिप की शुरुआत होती है हमारे होटल पिकअप से। ये लोग हमको होटल से पिक करके एक मीटिंग पॉइंट पर लेके आते हैं, जहाँ पे अपनी ब्रीफिंग करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस है, किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स हमको लेने हैं, बहुत सारी जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं। अगर आप लाना भूल गए हैं स्विमिंग शूज या स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, बिकनीज, कुछ भी जो भी आपको लेना हो वो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लंच भी हमारा इन्हीं के साथ होने वाला था। चलिए हम अपना शुरू करते हैं आज फोर आइलैंड टूर, जिसमें इंक्लूड होगा मायावे बीच, वाइकिंग्स केव, मंकी आइलैंड और फीफी आइलैंड। तो चलो शुरू करते हैं। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. 20 से 25 मिनट के बाद हम स्पीड बोट से अप पहुंच चुके थे वाइकिंग्स केव। वाइकिंग केव्स में एक्चुअली वो कहीं उतारते नहीं है आपको, बोट में बिठा करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जाने के लिए या टूरिस्ट के टहलने वाली जगह यहाँ पे नहीं है। तो ये जो केव है इस वक्त आप सामने देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में, यही है वर्ल्ड फेमस वाइकिंग्स केव। लेकिन ना इसी के आगे जब आप थोड़ा सा चलते हैं ना, तो जिनको स्विमिंग वगैरह आती है वो तो स्पीड बोट वाले यहाँ पे रोक देते हैं ताकि आप लोग स्विमिंग का एंजॉय कर सके। जिनको स्विमिंग आती है, हमारे जैसे वो तो नहीं आती, तो हम सिर्फ बैठ के ही लोगों को एंजॉय करते देखते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि लोग कितना मजा कर रहे हैं। फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और जो थाईलैंड आपने फोटोज में देखा है, वीडियोस में देखा है, उसको आप अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी आंखों से तो हमारी आंखों से एक्सप्लोर करें। जहाँ पे है इन्होंने लंच बूफे अरेंज किया हुआ है टूर की तरफ से ही। अपने लिए कुछ मिलेगा? वैसे यहाँ आने के लिए आपको अपने लिए वेज खाने की व्यवस्था या तो करके आना, या फिर यहाँ पे आपको फ्रूट और एक या दो ही चीज़ें मिलेंगी जो कि सिर्फ पेट भरने के लिए ही पॉसिबल है। बाकी चलो एनीवेज कुछ मिले ना मिले, थाईलैंड में फ्रूट्स की कमी नहीं होती। तो लंच के बाद अब बारी है बीच को एक्सप्लोर करने की। सो लेट्स एक्सप्लोर कौन सा बीच। बाद अब हम पहुंच चुके थे मंकी आइलैंड। तो फाइनली अब लंच करके हम आ चुके हैं यहाँ पे जो कि है मंकी आइलैंड। वैसे अपने इंडिया में तो मंकी बहुत फेमस है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई, मंकी तो हर जगह मिलेंगे। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जिनके लिए मंकी एक बहुत नई चीज़ है, या फिर उन्हें कहीं नहीं देखने को मिलती, तो वो ले रहे हैं मज़ा मंकी आइलैंड। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ लोग क्या कर रहे हैं मंकी आइलैंड। तो ये रहा मंकी।
ये एक मंकी है जो लड़बड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे लोगों को एक या दो मंकी देखना भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस इसी के साथ हम नेक्स्ट आइलैंड के लिए, जो कि था हमारा फिफी आइलैंड। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं फिफी आइलैंड। तो ये है लास्ट आइलैंड इस टूर का। यहाँ पे आपको जेट्स की, स्नॉकलिंग, आप सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने का भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेजिटेरियंस हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शंस था नहीं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसकी प्राइसिंग। इस पूरे टूर की जो प्राइसिंग थी वो थी 1500 baht ईच। आप चाहें तो प्लीज़ इसमें बार्गेनिंग और करना, क्योंकि हमें उन्होंने जो इनिशियल रेट्स बताए थे वो 2200 baht के आसपास के थे। अगर आप ये ट्रिप होटल से लेते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो बाहर के जो भी टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स बाहर बैठे रहते हैं, आप उनसे ये डील अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ है उनमें भी बहुत सारे रेट्स हाई हैं, तो उनमें भी प्लीज़ बार्गेनिंग करना मत भूलना। ये असली थाईलैंड देखने को इन्हीं बीचेस में मिलता है ना। तो ये था हमारा इस ट्रिप का लास्ट थाईलैंड। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। बार्गेनिंग जरूर कर लें जो भी जेट्स की प्राइजेस आपको बताए जाए। बाकी चलो फिर चलते हैं बोट में और पहुंचते हैं पटोंग बीच। सो लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने टूर से, उसके बाद हम चलो बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप उनसे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।